और मैं हूं आपके साथ आयुषी शर्मा। हेडलाइन 24 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं आज की तमाम खबरों पर। सपक्ष पार्टी जिला इकाई भोपाल द्वारा जिला अध्यक्ष श्री पीके मिश्रा के नेतृत्व में शहीद श्री करणवीर सिंह को कैंडल मार्च के द्वारा आंसूपूर्ति श्रद्धांजलि अर्पित की गई। हाल ही में बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के साथ जो अमानवीय घटना को अंजाम दिया गया उसके प्रति सपक्ष पार्टी जिला इकाई भोपाल द्वारा विरोध प्रदर्शित करते हुए न्याय की मांग की गई। सर, आज आपने श्रद्धांजलि दी है, देश की बॉर्डर पर लगातार इस तरह की हरकत हो रही है, क्या कहेंगे? मैं सबसे पहले तो महान सपूत शहीद करणवीर सिंह जी को श्रद्धांजलि श्रद्धासुमन अर्पित किया हमारी सपक्ष पार्टी जिला भोपाल ने। और मैं भारत सरकार से, राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, हमारी सपक्ष पार्टी मांग करती है कि इस तरह का हमारे देश के ये जो लाल हैं बारी बारी से बॉर्डर पे आतंकवादियों के हाथों शहीद हो रहे हैं, तो इस पे सरकार सख्त एक्शन ले जिससे हमारे देश के जवान जो हैं तो वो सुरक्षित रहें और देश की सुरक्षा को और मजबूत करते रहें। आज सपाक्स पार्टी के जिले के सभी लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए और हमारे शहीद हुए वीर सपूत करणवीर सिंह को श्रद्धांजलि दी और भारत सरकार से अनुरोध किया है कि आज जो जवान हमारे 24 साल 23 साल 22 साल के शहीद हो रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ है जो अभी इन दिनों में आए दिनों साल में हो रहा है। सरकार इस पर गौर करें, हमारे सपूत 22 साल 23 साल के शहीद हो रहे हैं, उनके सख्त आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें। साथ ही सरकार से अनुरोध है कि बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सरकार से अनुरोध है कि हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहा है आज से नहीं हो रहा है, 2-4 साल से हो रहा है, उस पर भी सरकार ध्यान दे। हमारे हिंदू पलायन कर रहे हैं और वो सुरक्षित नहीं है, इसलिए भारत सरकार उस पर ध्यान दे। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी उस पर विशेष ध्यान दें, राष्ट्रपति जी ध्यान दें और वहाँ पे दुर्दशा हो रही हिंदुओं की उस पर भी ध्यान दें। सपाक्स पार्टी इसका पूरा विरोध करती है।